हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार, डिजिटल के स्टार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में डिटेल में बताया था कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसमें पांच चीज़ आपको अच्छा से याद रखना। आई होप कि आप लोग उस वीडियो को अच्छा से देखे होंगे और वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग करना सीखेंगे। आज का जो वीडियोज है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है थीम इंस्टॉलेशन करना। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने वेबसाइट पे थीम इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे कि किस तरह से थीम इंस्टॉल करेंगे। सो आपको अपने वेबसाइट, जो भी आपका वेबसाइट है, उसको ओपन कर लेना है WP एडमिन करके। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। देखिए, ये डैशबोर्ड के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा डिजाइनिंग का फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है थीम इंस्टॉलेशन। आपको मैं बता दूँ कि थीम इंस्टॉलेशन क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, थीम क्या होता है? आपकी वेबसाइट का ढांचा होता है कि आपका वेबसाइट कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आपका लोगो कहाँ होगा, मेन्यू कहाँ होगा, सोशल आइकन्स, इनऑल टूडे, ये सब कहाँ आप कैसे एडजस्ट करेंगे वो सारा स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ठीक है, तो सिर्फ स्ट्रक्चर देता है थीम। क्या करता है? स्ट्रक्चर देता है आपके वेबसाइट के। बाद बाकी ये सब तो आप खुद से एडिट करके कर लेंगे। आपका ये है जो फ्रेंड्स फुटर कैसे होगा, फुटर में कितना सोशल आइकन्स आना चाहिए, सब क्या करता है, ये थीम पे ही डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा थीम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप अच्छा से सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो थीम मैं आपको कहूँगा वही थीम आपको इंस्टॉल करके सीखना है, क्योंकि उसी थीम पे मैं आपको पूरा ये मॉड्यूल्स कंप्लीट करने वाला हूँ। तो जो थीम्स मैं बोल रहा हूँ वही थीम आपको इंस्टॉल करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले थीम इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस ऑप्शन में थीम शो हो रहा है, कहाँ से आप थीम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ देखिए, हाँ, ये अपीयरेंस में आपको आना होगा। ठीक है, आपको अपीयरेंस में आके यहाँ अपीयरेंस का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है थीम का। ठीक है, यहाँ पे थीम पे आपको क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारा थीम आ जाएगा, तीन चार ही थीम आएगा आपको। ठीक है, तो जो थीम मैं आपको बोलता हूँ वही थीम इंस्टॉल कर, यहाँ सर्च ऑप्शन में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करना है जेनरेट प्रेस। आपको जेनरेट प्रेस टाइप करके इसको, ये देखिए जेनरेट प्रेस इस तरह से दिख रहा है, जेनरेट प्रेस इस थीम को आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, जैसे ही देख, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसको लाइव प्रीव्यू आपको बता देता हूँ कि लाइव प्रीव्यू कैसा दिखेगा। देखिए, जेनरेट प्रेस जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ लोगो शो रहा है, ये मेन्यू सब यहाँ पे देखिए इस तरह से शो होगा, इस तरह से आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि थीम वेबसाइट का स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, आपके वेबसाइट का लोगो, मेन्यूज, सर्च बार एंड जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस के यहाँ पे कैसे शो होगा वो सारा स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, तो ये देखिए इसका लाइव प्रीव्यू मैंने जेनरेट पेज का आपको दिखा दिया है। ठीक है, इसको मैं कट बैक कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक्टिवेट का ऑप्शन है, सबसे पहले आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है तो मैंने इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके वेबसाइट देखेंगे कि किस तरह से शो हो रहा है। फिर देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस ये साइड बार से यहाँ पे आ गए। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग थीम इंस्टॉल करना सीख गए होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सिर्फ थीम इंस्टॉलेशन ही बताया, आपको जेनरेट प्रेस थीम इंस्टॉल कर लेना बस। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे वेबसाइट डिजाइनिंग करना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।